और दीदी ठीक हो? हाँ ठीक है। और तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ दीदी। आज तो बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं, और बहुत खुशी की बात है दीदी। ऐसा क्या हो गया भाई? वो हमारा जो अमेरिका में बेटा रहता है ना, तो वो आज अपनी बीवी को लेके आ रहा है, तो अरे वाह, बहुत अच्छी, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश ये हूँ। तो बहुत खुशी की बात है हाँ, भाई। और आप भी मिलके जाना मेरी बहू से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छी बहू है मेरी। क्या कहते अच्छा हैं, बहू बहुत पढ़ी लिखी है जीजी, और बहुत सुंदर है। बहुत और बढ़िया। जब वो आ जाएगी तो आप हाँ खुद ही देख लेना, ठीक है? हाँ ठीक, मिलते हैं। दीदी मेरा बहू बेटा। हेलो मम्मी। हेलो बेटा, अच्छा, और जी कैसे हो? तेरा, सदा जी तेरा बढ़िया बढ़िया है, सुखी रहो बेटा। हेलो बढ़िया। मामसी। हेलो बेटा, सदा नमस्ते, स्वागत नमस्ते हो। अरे आंटी। बेटा 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 बेटा, सॉरी अरे बेटा बेटा, ये आओ बेटा बेटा बैठो। कोई मामसी, थोड़ा सा बात नहीं बिजी बेटा, थे कुछ ना, जल्दी बता रही सो के थी बैठ तो। जाओ बेटा। दीदी इन्हीं इसी की बात कर रही थी, ये मेरी प्यारी सी बहू। इन्हीं की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं अभी। हाँ दीदी, बहुत अच्छे संस्कार हैं, ये तो दिख रहा है, सामने नजर आ रहा है, ये संस्कार सीख के आई हो। एक्चुअली मामा ना, हमारे कंट्री में ये सब कॉमन होता है। यहाँ कॉमन नहीं। मॉम, आपने पहले से अपनी सहेली को क्यों नहीं समझाया? चल अब तो बेटा कोई बिजी बात रहे नहीं है, अपनी बहू बेटन के साथ में, मैं चली ठीक है बात दीदी। कर। अच्छा दीदी, राधे राधे। हाँ बस जी, राम राम। बस, खुद रहो। बेटा आओ मेरे बराबर में बैठो आके। आई मॉम सी। आओ बेटा। कितनी प्यारी सी बहू है मेरी। और बेटा कैसी हो, ठीक हो? हाँ माँ जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई है नहीं, ना? आने में कोई परेशानी चलो ये नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। और बेटा काम ठीक ठाक चल रहा था वहां पे? काम तो बहुत अच्छा चल रहा है मॉम जी। इस बार आप हमारे साथ चलना, वहां पे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी उम्र के वहां पे बहुत सारे लोग हैं, सब घूमते हैं, क्लब जाते हैं, वहां पे खाना खाते हैं, ट्रिप एंजॉय करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, मैं पक्का चलूंगी। मेरी बहू कितनी अच्छी है बेटा, बहुत अच्छी बहू लेके आए हैं तू। अरे वो कौन सी मौमसी जो मेरे बारे में इतना गलत सलत बोल बेटा के कोई गई? बात नहीं है, बुरा मत मानो। ये हमारे पड़ोस की एक दीदी थी, तो वो आई थी घूमने के लिए, तो मैंने उनसे बोला था कि आज हमारे बहू बेटा आ रहे हैं तो उनसे मिलके जाना, तो वो ही थी बस। कोई और बेटा ये बड़ा प्यारा है, आपकी ज्वेलरी बहुत प्यारी है, इयररिंग्स भी बहुत प्यारे बेटा। मॉम आओ, जी, मेरे बेबी ने दिलवाई मेरे को। अरे वाह, मेरा बेटा इतना समझदार हो गया। आ जाओ। और बेटा और बताओ, दोनों ठीक ठाक रहते हो वहां पे? हाँ सही रहते हैं। चलो अच्छी रहनी मम्मी आप चाहिए। चलना हाँ पक्का चलूंगी बेटा। इस कंट्री से निकलो यार, सब ओल्ड फैशन वाले लोग रहते हैं। मैं फिर कैसे जानती ही नहीं है रहती क्या हूँ होता वहां है। पे, और कितना गंदा स्मेल होता है। और देखो सब यहाँ पे बफेलो ऐसे घूमती रहती है, गाड़ी के सामने आ जाती है, हमें कितना प्रॉब्लम हुआ है आने हाँ में। बेटा ये इंडिया है ना, इसी वजह से यहाँ पे ये सब होता है। पर कोई नहीं बेटा, अरे कितने अच्छे बहू बेटा है मेरे। भगवान ऐसे इन दोनों की जोड़ी को बनाए रखे। बेटा आपको स्ट्रेस में परेशानी हो रही होगी, तो आप जाके कपड़े चेंज कर लो, ठीक है? बट मॉम जी, मेरे से सारी तरह से शॉर्ट्स हैं, और आप कहीं से कि ऐसे कपड़े चूज करने, क्या जैसे और कोई ड्रेस नहीं है? तो कोई नहीं बेटा, आपके पास नहीं है तो जैसे मैंने ये पहने हुए हैं लोअर टी शर्ट, जैसे मैंने पहने हुए हैं तो ऐसे ही आप पहन लेना, मेरे रखे हुए हैं कबर्ड में। अच्छे वाला ड्रेसेस तो मेरे पास भी है मॉम जी, बहुत अच्छे वाले। हाँ है? अरे बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आप अपने जाके पहन लो, ठीक तो मैं है? उन्हीं ड्रेसेस को पहन के आती हूँ, हाँ ठीक बेटा, है? ओके ओके ओके, पहन लो जाओ। बेबी आप भी चल रहे हो चेंज हाँ करने? चलो चलो जाओ, आ जाओ। मैं आराम कर लेती हूँ थोड़ा सा, ठीक है? ओके मॉम जी। सुनो बेबी, बेबी सानू अब
कल रात किससे भी देख कर बात कर रहे थे? मुझे अभी तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, मैं भी यहीं बैठी हूँ। किस बात कर रहे हो तुम इतनी देर तक? इतनी देर से किससे बात कर रहे हो तुम? मैंने बोला था मेरा दोस्त है। बीबी, आप मेरे लव तो किसकी बात ही कर रहे हो? ये कौन है दूसरा भाई कौन? मेरा दोस्त। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? हम तो आपका इंतजार करते करते ठीक है। अरे हमारा हाँ जी आपका चलो और बताइए घर पे सब कैसे? सब ठीक है जी। आपकी बीवी ने तो हमारा जीना हराम कर दिया। नहीं मेरी है तो मैंने पता करके चलो कोई नहीं, शादी करी तो जीना तो पड़ेगा मुझे। जी बिल्कुल। और स्टडी कैसे चल रही है? स्टडी जी फिनिश हो गई। तो जॉब नहीं हुई? अब